नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हूं राजेंद्र दुबे। आज हम बात करने वाले हैं जो आने वाली नवरात्रि है और वो नवरात्रि पड़ रही है 13 अप्रैल के दिन। तो नवरात्रि के दिन क्या ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, ऐसे हम कुछ आपको 9 उपाय बताने वाले हैं जो माता रानी के चरणों में आप अर्पण करके वो उपाय करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और इसी नवरात्रि विशेष प्रोग्राम में हम देने वाले हैं ऐसी कुछ 9 चीज़ें आपको, जिसके बारे में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं, आप चिंता में आ सकते हैं। तो क्या कुछ, ये सारा एपिसोड हमारा नवरात्रि के बारे में रहेगा और इस दिन से हमारा शुरू होता है, नया वर्ष भी हमारा शुरू होने वाला है और उसी दिन नवरात्रि लगने वाली है। ये नवरात्रि का जो समय रहने वाला है 13 अप्रैल से लेकर के और जो 21 तारीख को नवमी पड़ेगी, 22 को हमारा यह नवरात्रि का समापन होने वाला है दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त हमारा इस नवरात्रि में क्या है। तो शुभ मुहूर्त, जैसे कलश की बहुत बड़ी स्थापना होती है, कलश को भगवान विष्णु का स्वरूप दिया जाता है और कलश के बिना नवरात्रि संपन्न नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम हम कलश का हम आपको मुहूर्त देने जा रहे हैं कि सुबह अगर आप देखें तो हमारा जो मुहूर्त शुरू होने वाला है 5:28 से शुरू होगा दोस्तों और वो 10:14 के अंदर आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में 2-4 और मुहूर्त है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक अमृत सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग सुबह 6:11 से शुरू होगा और 2:19 तक वो रहने वाला है। साथ साथ में हम बात करेंगे अमृत काल की, बात करेंगे तो 6:15 से वो भी सुबह शुरू होगा और 8:03 तक रहेगा। तो आपके पंडित आएंगे इस पीरियड में भी, वो अगर आप बोलें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा समय आपको हमने निकाल के दिया है, ये पीरियड में आप कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर कलश अच्छी स्थापना हुई तो वो 9 दिन तक आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके जो भी आप नवरात्रि में उपवास करने वाले हैं, जो भी आपके मनोकामना है, जो भी आप साधना करने वाले हैं, वो उसकी जो ऊर्जा है उसमें कलश बहुत सहायक होता है, साथ में अखंड दीपक सहायक होता है, आपकी कुल देवी सहायक होती है। तो इनको एक विधिवत पूजा अर्चना करके आप माता से अपने आपकी कामना जो भी है उसकी पूर्ति के लिए हम नवरात्रि का ये कलश का जो हम मुहूर्त आपको बताए हैं उसमें आपको एक कलश स्थापना करनी चाहिए। साथ में मैं कहना चाहता हूँ अभिजीत मुहूर्त भी है, 12:02 से 12:52 तक का ये मुहूर्त रहने वाला है, तो ये भी एक शुभ मुहूर्त है। लेकिन सर्वोपरि जो मैंने आपको बताया है कि 10:14 तक का ये जो समय है सुबह 5:28 से, ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, तो इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नवरात्रि के वो 9 ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी मनोकामनाएं हो सकती है पूर्ण। तो आइए, सर्वप्रथम है कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह करना चाहिए, शाम को भी आपको करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती जो पवित्र बुक है उसका आपको पठन और मनन करना चाहिए, उससे आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। ये 9 दिन तक आप कर सकते हैं। लौंग और साथ में बताशे, ये हर दिन माता जी को अगर आप चढ़ाते हैं उनके चरणों में तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा है कि अगर आप देखें तो बाजार से आपको लाल कलर के अगर फूल मिल सकें तो वो पुष्प भी आपको लगातार 9 दिन तक आपकी प्रार्थना करके आप चढ़ा सकते हैं। चौथा उपाय है दोस्तों कि ये जो माता जी का निर्वाण मंत्र है 9 अक्षर वाला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आपको जाप करना चाहिए। ये बहुत शक्ति देगा, बहुत आपको आपकी शक्तियों को बढ़ाएगा और आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ये खत्म कर सकता है और आपकी मनोकामनाओं में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। हम आगे की बात करते हैं, जो अगला उपाय है श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को धन का प्रॉब्लम है, जो लोग धन से परेशान हैं, उनको श्री सूक्त का इस नवरात्रि में अच्छे से पाठ करना चाहिए, तो श्री सूक्त से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बहुत सारा आशीर्वाद देती है। अगला उपाय बात करते हैं, लाल कलर का कंबल, याद रखिएगा दोस्तों माता लाल कलर की चुनरी से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो लाल कलर के कंबल पे आपको बैठ करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए बात कर लेते हैं सातवां उपाय कि आपको अष्टमी और नवमी का ये जो 2 दिन है उस दिन आपको इत्र माता को चढ़ाना चाहिए और शहद भी माता को चढ़ाना चाहिए, एक विशेष आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए, तो डेफिनेटली ये इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी होती है। आइए बात कर लेते हैं उपाय नंबर 8 की, मखाना। आपको पता है मखाना को लेकर के आना है माता जी को भोग में चढ़ाना, उसमें कुछ सिक्के डालने हैं, प्रार्थना करनी है और वो पूरा मखाना आप किसी भी गरीब को जा करके आपको दान करना है, इससे भी आपके बहुत बिगड़े काम बनते हैं।
आइए बात कर लेते हैं लास्ट और अंतिम उपाय, जो कि बहुत पावरफुल उपाय है। श्री यंत्र की स्थापना आपको माताजी के प्रथम दिन से कर लेनी चाहिए और कुमको की अर्चना वहां पर करनी चाहिए। श्री सूक्त का बैठ करके वो यंत्र के सामने पाठ करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता रानी आप सारे लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ये तो रही बात 9 ऐसे उपाय, सटीक उपाय जो करने से आपकी मनोकामनाएं हो सकती है पूर्ण। आइए बात कर लेते हैं 9 कार्य ऐसे क्या है जिनका आपको त्याग करना चाहिए, अन्यथा आपके आने वाले जीवन में जो भी आप चाहते हैं वैसा अवरोध उत्पन्न हो सकता है, वैसे ही आपको परेशानियां आ सकती हैं, चिंताएं बढ़ सकती है, कलह बढ़ते हैं। तो ये 9 चीजों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आइए पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला, मांस मदिरा आपको त्याग करना चाहिए और लहसुन और प्याज इनका भी आपको त्याग करना चाहिए, पूरे 9 दिन तक आपको नहीं खाना चाहिए। आइए उपाय नंबर हम 2 की बात करते हैं। नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि देवी माँ अपने आप में एक नारी है, तो ये 9 दिन आपको किसी भी प्रकार का कलह आपको नहीं करना चाहिए और सम्मान नारी का करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं उपाय नंबर 3 की। देखिए, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। जब भी आप कलश की स्थापना करें पूरा एक दिन पहले घर को साफ रखें, और जब नवरात्रि आपके माता बैठ जाए, घट की स्थापना हो जाए, तो आपके घर में साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना है। साफ सफाई अगर आप करते रहेंगे तो वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, तो साफ सफाई पे विशेष आपको ध्यान रखना है। आइए बात कर लेते हैं उपाय नंबर 4 की। देखिए, आप अगर सुबह उठते हैं स्नान करके, अगर आप 9 के 9 दिन बहुत ही पवित्र और सुंदर और साफ कपड़े अगर आप पहनते हैं और जब पूजा में आप विराजमान होते हैं, तो ये भी एक ऊर्जा को ग्रहण करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो ये उपाय आप अवश्य करिए कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके ही पूजा में बैठें। आइए बात करते हैं 5वां जो है कि पांचवी जो चीज़ है वो आपको क्या नहीं करनी चाहिए। आपको ये नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काले कपड़े आपको नहीं धारण करना चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। आइए बात करते हैं 6ठा चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको बाल, दाढ़ी और नाखून इसका कट नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल और दाढ़ी भी आपको नहीं कटानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिए, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए 7वां, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको परहेज करना चाहिए। तो पर्स अगर आप देखें तो अगर आपका लेदर का पर्स है, चमड़े का पर्स है या चमड़े का बेल्ट अगर आप धारण करते हैं, तो नवरात्रि में आपको कृपा करके दोनों चीज़ से आप दूर रहिए, क्योंकि वो अगर पहन करके आप पूजा अर्चना करते हैं तो वो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं और आप परेशान हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि 8वां, कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जब आप साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके बॉडी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं, सात्विक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोना चाहिए, आपको बेड का सहारा नहीं लेना चाहिए। आइए अंतिम जो 9वां, क्या ऐसा चीज है जो आपको करने से बचना चाहिए। तो आपको मेहमान अगर आपके घर पे आए या कोई गरीब आपको रास्ते में मिलता है, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, अन्यथा माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं और वो सही जो ऊर्जा है वो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, नवरात्रि में आपको क्या 9 ऐसे उपाय करने चाहिए वो हमने आज आपको बताया, मुहूर्त के बारे में बताया, और कौन सी ऐसी 9 वस्तुएं हैं या 9 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको परहेज करना चाहिए। तो आज का एपिसोड में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, इसके ऊपर आप ज़रूर विचार करिएगा, मंथन करिएगा, और डेफिनेटली आप माता की बहुत सारी आपको आशीर्वाद मिल सकते हैं जो हमने जो उपाय बताए हैं वो आप करेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता रानी बहुत सारा आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं राजेंद्र दुबे आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।